हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है फिर से अपने इस चैनल दैट इज अकाउंटिंग गुरुजी। मैं माफी चाहूंगा, कल आपकी क्लासेस जो है बहुत रेयरली, मतलब ना के बराबर ही थी। उसका रीजन था क्योंकि कल जो है मेरी टीम ने हमें सरप्राइज दिया और वो सरप्राइज था हमारा गोल्ड प्ले बटन। जी हाँ गाइस, मुझे भी नहीं पता कब का आया, कोरियर से कब उन्होंने रख लिया, समथिंग एल्स। तो वो मेरे पीछे लगा हुआ है फिलहाल, आप देख सकते हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप इसका व्लॉग चैनल पर, हमारा जो व्लॉग चैनल है सारी व्लॉग, इस चैनल के होम पेज पर उसका लिंक मिल जाएगा, जाके उस पर वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर पब्लिश हो चुकी है जो भी मेरे साथ आज प्रैंक हुआ था वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन आज हमारा टॉपिक है। जैसे कि ये टॉपिक पहले आपको विपुल सर पढ़ा देते हैं, बट विपुल सर का कुछ एग्जाम वगैरह चल रहा है, सर का कुछ गवर्नमेंट जॉब का चक्कर कुछ है, तो इस चक्कर में वो जो है एक दो दिन बिजी रहेंगे, तो तब तक मैं एक क्लास लेता हूँ, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। अभी फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है मैं आपको बताऊँ, कम्युनिकेशन के बारे में आपको पहले नहीं पढ़ाया तो प्रीवियस वीडियो हमारी जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हमारी प्लेलिस्ट इस साल की बनी हुई है जिसमें आपको सीरियल वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनको आप ज्वाइन कर लें, अपने एक नोट्स बना लें, बहुत जल्दी आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो बात आती है कि कैसे, मतलब कम्युनिकेशन हम कैसे होता है, क्या होता है। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था, सर ने भी आपको बताया था कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है व्हेन टू पर्सन और मोर देन टू पर्सन आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, शेयरिंग द आइडियाज टुगेदर। मान लीजिए आप और मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, ये भी एक कम्युनिकेशन है। आप किसी को इशारा करके बुला रहे हो, वो भी एक कम्युनिकेशन है। किसी को व्हाट्सअप चैट कर रहे हो, वो भी एक कम्युनिकेशन है। किसी को अपना आइडिया दे रहे हो, सजेशंस दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, एवरीथिंग इज नोन एज अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्बल भी होता है, रिटर्न भी होता है, ओरल भी होता है, कैसे भी हो सकता है। बात करते हैं मेन, अगर बात करें तो कम्युनिकेशन टू टाइप का होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। तो अभी जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो है फॉर्मल की। फॉर्मल का मतलब हो गया एक तरह से औपचारिक, हम इसे हिंदी में कहते हैं औपचारिक संप्रेषण। क्या कहते हैं बच्चों? औपचारिक संप्रेषण। जब कुछ दिखावे के लिए हो, मतलब आप मेरे यहाँ पर काम करते हो या मैं आपके यहाँ पर काम करता हूँ कंपनी में, और आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, इतना ही काफी है। कोई पर्सनल हमारे बीच में कुछ नहीं है, बस केवल एक दूसरे को बात शेयर कर रहे हैं। अच्छा ये काम हो गया, हाँ जी ये काम हो गया, कितनी देर में हुआ, इतनी देर में हुआ। दैट इज काइंड ऑफ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे आज पहले बात करेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, आज ये टॉपिक पूरा पूरा लेंगे। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है, देखो आप एरो देख सकते हो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। डाउनवर्ड का मतलब है जब ऊपर का कोई अधिकारी नीचे के अधिकारी को कोई ऑर्डर दे तो उसे डाउनवर्ड कहते हैं। मैं आपको डायग्राम से भी समझा देता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि टॉपिक तब तक समझ में नहीं आया जब तक हमने उसे डीपली समझाया, तो फिर मजा क्या है, क्यों बच्चों? डेफिनेट सी बात है, दिमाग में बैठना चाहिए। देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे समझ लीजिए कि जी चलिए समझ लीजिए कि ये एक ऑफिसर है, ठीक है, और इनके नीचे चार एम्प्लॉई काम करते हैं, एक दो तीन चार। अब यहां से इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन दी तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड। क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। फिर इनके नीचे अगर कोई एम्प्लॉई काम करते हैं, ठीक है, और इन्होंने उन्हें इंफॉर्मेशन शेयर करी यहां से, तो ये मतलब जब ऊपर से नीचे की ओर इंफॉर्मेशन आती रहे, ऊपर ऊपर का मतलब है आपके सुपीरियर लोग और नीचे का मतलब है आपके सबोर्डिनेट्स यानी कि आपके अंडर काम करने वाले लोग, उन सबको जब उनको इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो डाउनवर्ड इंफॉर्मेशन होती है, वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। ये वन वे होता है क्योंकि ये एक तरफ ऊपर से नीचे की ओर होता है, एक तरफ ही होता है। इसमें केवल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, सजेशंस नहीं ली जाती। अब इसकी नीड कहाँ का है, चलिए इसकी नीड है गाइज, अगर मैं बात करूँ आपके लिए, टू गेट द वर्क डन। हम ये चेक करना चाहते हैं कि काम पूरा हुआ नहीं हुआ, आप ये चाहते हैं तो उसके लिए ये वाली इंफॉर्मेशन रहेगी। टू प्रिपेयर द वर्क फोर्स फॉर चैलेंजेस, हम अपनी वर्क फोर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं चैलेंज के लिए, तो उन्हें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। देखो भाई आर्मी लग जाओ फटाफट से, ठीक है ये काम करना है, इतने दिन में करके देना है। दिस इज काइंड ऑफ अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है टू टैकल या मिशन फॉर्मेशन एंड सब्सटिट्यूशंस अराइज आउट ऑफ इट। अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है उसे टैकल करना, कोई सस्पिशियंस अराइजिंग हो रहा है
उसको रोकने वाला कोई गलत धारणा बन रही है तो उसको रोकने के लिए जो सीनियर है वो अपने जूनियर को कोई ना कोई ऑर्डर देता है। टू क्रिएट फीलिंग एंड प्राइड एंड कॉन्फिडेंस इन द वर्कफोर्स आई ऑर्डर टू मोटिवेट इट एंड टू बूस्ट द मोरल। सिंपल सी बात है, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं ठीक है, और उनके नीचे जो लोग काम करते हैं सबको मोटिवेशन देना पड़ता है, और ये मोटिवेशन ऊपर से नीचे और नीचे से उससे नीचे की ओर जाता है। इसमें हम मोटिवेशन भी देते हैं, इसमें हम उन्हें डायरेक्शन भी देते हैं ठीक है, इनमें हम उनका मोराल भी अप करते हैं, इनके उनका प्राइड भी बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं, और ये सब चीज़ें हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो नीचे वाला एम्प्लॉई है वो अपने सीनियर की कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, उसको मोटिवेट करेगा, ऐसा नहीं होता। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो हम ये कह सकते हैं ये है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके बच्चों, टू ट्रांजिट वर्क एथिक्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ट्रांसमिट। हाँ, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका पर्टिकुलर हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है जिसको सबको फॉलो करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर मैटर करती है ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज को हिंदी में कहते हैं लाभ और डिसएडवांटेज को कहते हैं दोष। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। सबसे पहला इसके एडवांटेज क्या है, डिसिप्लिन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और जो इसमें डाउनवर्ड होता है, हम फॉर्मल में भी अलग अलग टाइप होते हैं, डाउनवर्ड अपवर्ड, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डाउनवर्ड की। डाउनवर्ड में डिसिप्लिन बना रहता है क्योंकि जो ऊपर का अधिकारी है वो अपने निचले स्तर के एम्प्लॉय को जब कोई चीज़ समझाता है ठीक है ना, जैसे एक कंपनी का सीईओ है और नीचे काम करने वाले अकाउंटेंट्स है या मार्केटिंग हेड है, अब वो उन सबको डायरेक्शन देता रहेगा, उन सबको ऑर्डर देता रहेगा, कहता रहेगा, तो उन सब चीज़ों में क्या होगा, सिंपल सी बात है, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं बच्चों डिसिप्लिन बना रहेगा। और इसकी इसमें क्या होता है, लैक ऑफ विजन एंड या एबिलिटी डिसीजन मेकिंग कैन प्रूव डिटरमिनेंट एंड द हार्मफुल टू द ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके नीचे जो काम करने वाला एम्प्लॉई है वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन आपका डिसिप्लिन इस तरीके का है कि आप वन वे कम्युनिकेशन करते हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो वो आपको नहीं कह पाएगा, और इस कारण से क्या है कि ये हार्मफुल हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि जब तक हमारी मन की बात हमारे मन में ही रहेगी, सामने वाले तक नहीं पहुँचेगी, तो वो कैसे समझेगा कि हम क्या चाहते हैं। सेकेंड इसका एडवांटेज आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर हैपन एफिशिएंसी। कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन होता है ऑर्डर्स का जिससे हमारी एफिशिएंसी जागृत होती है। हम कहते हैं एक धारणा आती है मैकग्रेगर का, एक सिद्धांत एक प्रिंसिपल आता है एक्स प्रिंसिपल, उसमें कहा जाता है कि वर्कर काम नहीं करना चाहते, उनसे काम कराया जाता है। ये चीज एक आता है टास्क एंड पॉजिटिव कैन बी वेल डिफाइंड। जो टास्क है जो पोजिशंस हैं वो वेल डिफाइन हो जाती हैं क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो हर एक पोस्ट का अपना अपना दायरा हो जाता है, वो हिसाब से मैनेज करके चलते हैं। और क्लैरिटी इन माइंड ऑफ एम्प्लॉयज अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कन्फ्यूजन्स। इसमें एक अच्छी बात यह है डाउन वार्ड में, कि डाउन वार्ड में क्या रहता है, हर एक एम्प्लॉय को पता रहता है मेरा ये काम है, मुझे इस काम को अच्छे से करना है, मुझे इस काम को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और लास्ट इट हेल्प इन यूनाइटिंग डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटीज एंड ब्रिंग टू टीम स्पिरिट। जो टीम स्पिरिट होती है उसे बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं यहाँ पर, हमारी जो टीम है वो जैसे काम करती है उसे अच्छा बनाने के लिए हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे चल सकते हैं आगे की ओर ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको बताई दी। सबसे पहले तो हम लोगों की बात नहीं समझेंगे तब क्या हुआ, एक जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है उसमें बैलेंस नहीं होता। बैलेंस का मतलब है कि आप कोई बात किसी को बता रहे हो सकता है वो आपको रिप्लाई देना चाहे, लेकिन या तो डाउनवर्ड है ऊपर से नीचे की ओर है, वापसी का मतलब ही नहीं है, तो ये एक बैलेंस नहीं बन पाता, डिले हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। क्योंकि मान लीजिए 10 लेवल है, सबसे ऊपर ऑफिसर है, उसके नीचे भी ऑफिसर है, उसके नीचे, अब कोई इन्फॉर्मेशन अगर ऊपर से चली तो नीचे तक आने में टाइम तो लगेगा, और जिस कारण से डिले हो जाता है जो डिसीजंस है उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंटेशन करने में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक है ना। सबसे पहले कोई डिसीजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेगा, उसके बाद वो सारे बैंकों में जाएंगे, फिर उस बैंकों के मैनेजर को पता लगेंगे, फिर जनरल मैनेजर जो है अपने जूनियर मैनेजर को बताएगा, फिर वहाँ से जाके क्लर्क जो है उसे सबसे लास्ट में पता लगेगा, और उससे लास्ट में पता लगेगा वहाँ पे फोर्थ क्लास कर्मचारी को ठीक है ना, फोर्थ क्लास कर्मचारी को। अब ये सब चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि ये जो है ऊपर से नीचे की ओर है, ये चलता है वहाँ पे कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन लीड टू इन्फॉर्मेशन लूज। ओरल कम्युनिकेशन अगर होता है इसमें तो इन्फॉर्मेशन लूज हो जाती है,
डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। अब अगर इन्फॉर्मेशन लीक होगी तो कहीं से कहीं भी जा सकती है ना। एब्सेंस ऑफ फीडबैक, फीडबैक नहीं मिल पाता, एब्सेंस रहती है। आप जब वन वे कम्युनिकेशन करोगे ऊपर से नीचे की ओर, तो फीडबैक कैसा रहेगा? फीडबैक का तो कोई मतलब ही नहीं है कि बच्चों, है ना। फीडबैक तो तब होगा जब टू वे होगा, मैंने आपको कुछ बताया, आप मेरे सबॉर्डिनेट्स हो, आपने मुझे उसका उत्तर दिया, अपनी बात बताई कि यस सर ठीक है हम कर लेंगे, तो वो क्या हुआ? वो हुआ फीडबैक। और जो मैकेनिज्म है इसका कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन जो होती है, लैक ऑफ ट्रस्ट इन अथॉरिटी एंड द फीलिंग एक्सप्लॉयटेड। सिंपल सी बात है, जो वर्कर है काम करने वाले, उनकी जो फीलिंग है वो बेकार हो जाती है, कमी आ जाती है। तो ये थी सारी अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली आपको इस तरह की क्लासेस मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।